खबरें आज देश की सियासत के लिए पटना केंद्र बना रहा। पटना में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने सीएम नीतीश कुमार से गर्म जोशी के साथ मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच तकरीबन दो घंटे तक बातचीत हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मुलाकात 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम को लेकर चर्चा हुई। चर्चा है कि 2024 में नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन गई है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर दक्षिण गठजोड़, दिल्ली के तख्त पर जोर, नीतीश के नेतृत्व में लोकसभा का रण, चाणक्य की धरती पर 2024 का चक्रव्यूह, विपक्ष का फाइनल हो गया पीएम कैंडिडेट। हैदराबाद से लाल गुलाब लेकर पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुस्कुराते हुए मुलाकात की। तस्वीरें देखी, हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मंद मंद मुस्कुराते सीएम नीतीश भी खुले हाथों से केसीआर का अभिनंदन कर रहे हैं। उत्तर दक्षिण राज्यों के मुख्यमंत्री के मिलन की ये तस्वीरें कई मायनों में अहम है, लेकिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री को सुन। थे अटल जी की सरकार में तो बहुत मानते थे ना हम लोगों को। अब आजकल की बात छोड़ दीजिए, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते थे, इतना मानते थे। जो भी डिपार्टमेंट उन्होंने दिया था, चाहे कृषि का विभाग हो, चाहे हम लोगों को रेल का हो, कुछ भी काम आप दिया, इतना एक एक चीज को मानते थे। और साहब उसके लिए तो हम पूरे देश में घूमते थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की करीब दो घंटे तक मुलाकात हुई। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। अब इस मुलाकात के मायने समझ लीजिए। विपक्ष 2024 की बिसात तैयार कर रहा है। पीएम कैंडिडेट के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर मंथन। तेलंगाना के सीएम केसीआर नीतीश को समर्थन दे सकते हैं। नीतीश कुमार की साफ छवि विपक्ष के लिए मजबूत पक्ष। इतना ही नहीं, अभी इसी महीने एनडीए का साथ छोड़ महागठबंधन की सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार ने पाला बदलते ही कहा था, जो 2014 में आए थे 2024 में रहेंगे। यानी एनडीए को छोड़ने के साथ नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके हैं। वही मिशन 2024 को लेकर जेडीयू तो खुलकर बीजेपी को ललकार रही है, आरजेडी का भी सुर मिला हुआ है। अभी तो ये झांकी है, आगे बहुत कुछ बाकी है कि आज देश की पुकार है, देश की मांग है, देश की आम आवाम की आज मांग है कि जो महंगाई से त्रस्त है और जो वादा खिलाफी हुआ है देश के अंदर लगातार भाजपा की सरकार दिल्ली बनने के बाद, उन वादा खिलाफी के खिलाफ पूरे देश की जनता का ये डिमांड है। गैर भाजपा जो विरोधी दल हैं उनको हम एकजुट करेंगे, तो उसके निहितार्थ जो भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण निहितार्थ है कि जो क्षेत्रीय पार्टियों के राजनीतिक विनाश की पटकथा लिख रहे थे, जो घृणा की राजनीति थी कि बिहारियों के प्रति एक अपमान का भाव पैदा करने की कोशिश, तो वो एक संवेदनशीलता भी इस दौरे से दिखाई पड़ेगा। एक लामबंदी उन विचारधारा वाले दलों का जो समान विचार वाले हैं, सब लोग धीरे धीरे लामबंद होते जा रहे हैं। देश की जो वर्तमान हुकूमत है और जो अधिनायकवाद है, उससे भय का माहौल है, इससे लोग मुक्ति चाह रहे हैं। तो स्वाभाविक, आप देखिएगा कि आने वाले कल में पूरे तौर पर जो गुलबंदी होगी वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे लोग बढ़ेंगे और मिल का पत्थर साबित होगा। भले ही सियासी गलियारों में ये मुलाकात बेहद खास है, लेकिन बीजेपी की दलील है कि यह भ्रष्टाचारियों की जमात है जो पीएम से डरे हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी से डर गए हैं, ये सारे भ्रष्टाचारियों का कुनबा एक साथ जमेगा और ये सब मिलकर के शेर के गला में घंटी कौन बांधे। डर इस बात का है, ये सारे एक एक तरह हर एक प्रकार के भ्रष्टाचारियों का जमात जुटेगा। धीरे धीरे 2024 की पिक्चर तैयार हो रही है। पहले नीतीश कुमार का एनडीए को छोड़ना और अब केसीआर का पटना आकर नीतीश से मिलना बहुत कुछ बता रहा है। देखना होगा आने वाले दिनों में विपक्ष नीतीश के नाम पर कैसे आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
वहीं नीतीश कुमार को विपक्ष की ओर से पीएम कैंडिडेट बनाए जाने वाले सवाल पर केसीआर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार देश के वरिष्ठ और उत्तम नेता हैं। जब हम बैठेंगे तब समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, हम सबकी सहमति बनाने की भी कोशिश करेंगे। एक ही बात आपको मैं जवाब देना चाहूंगा, हम जो इस बात में एकजुट है इसको लेके हर संभव प्रयास करेंगे। कुछ ही दिनों में आपको इसका नतीजा देखने को मिलेगा।